नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग व्हील्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन सर्दियों को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज अभी टाइम हो चुका है 10:23 और हम लोग जा रहे हैं कोटद्वार, क्योंकि मुझे बाइक का जो फ्रंट टायर है उसको मुझे चेंज करवाना है, ये काफ़ी खींच चुका है। और मेरे साथ हैं आज गुरुजी इन्हीं के टाइम के कारण मैं आज आया, क्योंकि वैसे मैं कल भी आ सकता था लेकिन ये कल फ्री नहीं थे, तो आज ये भी फ्री हैं। तो हम आज कोटद्वार जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे भी, और बाइक का भी मुझे टायर चेंज करवाना है और थोड़ा बहुत इंजन का भी काम करवाना है, तो दिखाता हूँ आपको आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम भदाली काल क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे अभी हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंड लग चुकी है। मैं ग्लव्स वगैरह भी भूल के घर पे, तो ये हालत खराब, तो हमने सोचा कि यहाँ पे चाय वाय पी के और तब आगे का सफर तय करें। यहाँ पे एक ढाबा है, हमेशा हम यहीं पे रुकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद फिर से शुरू की हमने अपनी जर्नी, और आज हमें बाइक का भी काम कराना था, क्योंकि बाइक का इंजन भी काफ़ी दिनों से आवाज़ कर रहा था, सर्विस नहीं हुई थी, तो इस वजह से आज हमें टाइम था। तो हमने सोचा कि आज बाइक का भी काम करवा दें और उसका फ्रंट टायर भी चेंज करवा दें। तो अभी देखते हैं, जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स, जेरीखाल से लगभग हम 15 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और अभी जो आगे मार्केट पड़ने वाला है वो है दुगड्डा मार्केट, और दुगड्डा से हमें लगभग 20 से 25 मिनट और लगेगा कोटद्वार पहुंचने में। तो दिखाता हूं मैं आपको आगे। तो गाइज, अभी हम पहुंच रहे हैं फतेहपुर में, और यहां से अभी हमें जाना है 2.5 से 3 किलोमीटर और आगे, जहां हमें पड़ने वाला है दुगड्डा। देखिए दोस्तों, रोड भी आज काफ़ी साफ लग रही है, गाड़ियां भी आज कम आ रही हैं और दिन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा पुलिस चेक पोस्ट के सामने, और यहां से हमें पड़ने वाला है चुन्नाधारा। तो मैं आपको दिखाता हूं चुन्नाधारा, और वहां पे आजकल रोड बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। ये देखिए, यहां तक वो पूरी रोड गीली हो रखी है, और यहां मतलब धूप नहीं आती है, तो इसलिए यहां पाला सूखता नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था आजकल यहां पे। यहां से और लगभग ये आधा किलोमीटर तक पूरी रोड गीली रहती है, और इस साइड पूरा पाला जमा रहता है। पिछले साल यहां पे लगभग 5 से 6 एक्सीडेंट हुए थे, यहां मतलब पाले में स्किड हो जाती है गाड़ी, और टू व्हीलर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अजू भाई तो बल अरे बल हाथी भी पकड़ो, बल अचकाल हाथी आयो, बल की हाथी आयो, बल अचकाल बल ढंग से जे बल। अच्छा भाई, हाँ अच्छा आराम से बल। कोटद्वार दुगड्डा वाली रोड पे हाथी का भी बहुत ज़्यादा खतरा और है। अभी 4-5 दिन पहले मुझे भी लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे रुकना पड़ा था रात के टाइम पे, और मैं भी बहुत ही मुश्किल से घर पहुँचा उस दिन। तो गाइस, बाइक के इंजन से काफ़ी दिनों से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा आज इसको ढंग से चेक ही करवा लेता हूँ। तो आज इंजन का भी मुझे इसका कुछ थोड़ा काम करवाना है। तो गाइस, इसी के साथ मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ कोटद्वार, और अब मैं जाऊँगा इसको लेके वर्कशॉप में, जो कि मेरी जान पहचान के हैं ताऊ जी, तो वो ही मेरी बाइक का हमेशा काम करते हैं। तो मैं अभी उनको दिखाता हूँ बाइक क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं हूँ अभी कोटद्वार कोर्ट के सामने, जहाँ पे कि ताऊ जी की शॉप है, तो मैं अभी उनसे पूछता हूँ कि कितना खर्चा आएगा इस पे। तो वो साउंड जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, वो था गाइड का साउंड। गाइड के कारण जो सिलेंडर हेड तक ऑयल नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण बाइक बहुत तेज़ी से आवाज़ करती थी, कट 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 का साउंड। तो मैं आज गाइड चेंज करवा रहा हूँ, और अभी इन्होंने इंजन खोला हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ मैंने चेंज करवाई। गाइज, ये है गाइड, और ये दो लगते हैं जिनके कारण सिलेंडर हेड तक ऑयल पहुंचता है, और मैंने ये दोनों चेंज करवाए। काफ़ी खर्चा आ गया आज बाइक पे।